नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल पंडित एक सामाजिक मैसेज लेके आया हूँ। कई लोगों को जो है मास्क पहनने में तकलीफ होती है, कईयों के मास्क नाक के नीचे, कईयों के मास्क अपनी दाढ़ी पे, और कई ऐसे बेफिक्र लोग हैं जिनको कि मास्क पहनते ही नहीं है, उनको लगता है कोरोना नाम की चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं, लोग यूं ही बता रहे कि मास्क पहनिए कर। अब उनको क्या बोला जाए। कुछ दिनों पहले दीपावली के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरहद पे गए थे हमारे सैनिकों के साथ दिवाली मनाने, और उस दिन उन्होंने एक भाषण किया था। उस भाषण का एक वाक्य मुझे बहुत भा गया और इतना पावरफुल सोशल मैसेज लगा कि मैंने सोचा कि इसको एक सोशल मैसेज के रूप में आगे बढ़ाया जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए। हमारा जो सोल्जर है, हमारे जो सैनिक है, जवान है, उनकी जो आर्मरी है, जो उनका जैकेट है, उनकी जो बैग है, पानी की बोतल है, हेलमेट है, बंदूक है, सबका वजन मिला के करीब 15 से 20 किलो होता है। और इस 15 से 20 किलो वजन को लेके वो सरहद पे खड़ा होता है, बर्फीली पहाड़ियों में, कभी कभी रेगिस्तान में, कभी कभी जंगल में, बंदूक तान के, दुश्मन की बंदूक के नोक के सामने, ताकि हम लोग चैन की नींद सो सके। और हम जो सामान्य नागरिक है इस देश के, हम एक 20 ग्राम का मास्क हमारे नाक और मुंह पे नहीं रख सकते, क्योंकि हमें सामाजिक जिम्मेदारी जो है हम उठाना ही नहीं चाहते हैं पूरी तरह से। अब क्या बताएं, भले 15 किलो का ना हो, पर 1.5 किलो का पीपीई सूट पहन के स्वास्थ्य कर्मचारी जो है आज जानबूझ के कोरोना वार्ड में और कोरोना आईसीयू में जा रहे हैं, ताकि हम पेशेंट्स को देख सके, उनकी सेवा कर सके। और उसके बदले में हम कुछ नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी संभालिए, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए कृपया मास्क पहने, ताकि इस कोरोना की जो महामारी है इसको हम पूरी तरह से मिटाने में सक्षम हो सके, पूरी तरह से मिटाने में हमारा संकल्प जो है और दृढ़ हो सके। हम बस इतना ही चाहते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मैसेज आगे जाहिर बाहर जाता है तो लोगों में अगर थोड़ा भी बदलाव आ गया और अगर मास्क ठीक तरह से पहनने लग गए तो ये बहुत बड़ी समस्या का हल आ जाएगा हमारे देश में। धन्यवाद।